नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम इसी बोर्ड का साउंड टेस्टिंग करने वाले हैं। दोस्तों ये जो है दोस्तों एक MOSFET एम्पलीफायर बोर्ड है। ये देखिए बहुत ही शानदार एम्पलीफायर बोर्ड है, ठीक है। ये टोटल ही कंप्लीट बोर्ड है, इसकी बनावट भी काफ़ी अच्छी है और ये देखिए कितनी हेवी है, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इसी बोर्ड की जो है साउंड टेस्टिंग करने वाले हैं। देखिए ये बोर्ड जो कंप्लीट है दोस्तों, इसके साथ एक BT बोर्ड भी है जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये BT बोर्ड है और इसके साथ एक कनेक्टर वायर लगी हुई है जो कि डायरेक्टली इसमें ऐसे कनेक्ट हो जाता है। ये BT बोर्ड भी काफ़ी शानदार BT बोर्ड है, इसमें बेस टेबल्स वगैरह सब लगी हुई है। तो दोस्तों और इसमें ये देखिए एक 5 वोल्ट के लिए 7805 यहाँ पे लगा हुआ है। इसका 5 वोल्ट की आउटपुट है जो है, इसके 12 वोल्ट की इनपुट है, ठीक है। ये 12 वोल्ट की इनपुट लेता है यहीं से। और ये वाला हिस्से में जो है दोस्तों ये सप्लाई लगी है, पावर सप्लाई लगी है यहाँ से यहाँ तक। ये पूरे हिस्से जो है पावर सप्लाई है और एम्पलीफायर सिर्फ इतना हिस्सा एम्पलीफायर है। और इसमें जो हीट सिंक भी लगी है ये भी देखिए काफ़ी ज़बरदस्त हीट सिंक लगी है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें पहले हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। इनपुट में 12 वोल्ट ले रहा है लेकिन इसके जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो क्या है उसको भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक 12 वोल्ट की इनपुट देंगे, उसके बाद हम इसको मल्टीमीटर से इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसको भी हम चेक कर लेंगे। इसमें देखिए दोस्तों 4 MOSFET लगी है। तो दोस्तों ये 4 MOSFET जो लगी है, 2 जो इसमें लगी है IRF9240 और एक लगी है IRF460। उसी तरह से इधर भी 2 MOSFET लगी हुई है। तो टोटल इसमें 4 MOSFET लगी हुई है, 2 लगी है IRF9240 और 2 लगी है IRF460। टोटल 4 MOSFET इसमें लगी हुई है। तो 4 MOSFET के साथ दोस्तों ये देता है जो बहुत ही ज़बरदस्त आउटपुट देता है और ये जो है 200 वाट के आउटपुट देने वाले एम्पलीफायर बोर्ड है। तो दोस्तों इसमें आप जो है 8 इंच से लेकर 12 इंच तक के स्पीकर को आराम से आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बोर्ड जो अधिकतर जो दोस्तों ट्रैक्टर के लिए, जो ट्रैक्टर और बड़े बड़े ट्रैक में जो एम्पलीफायर लगते हैं उसी में इस्तेमाल होने वाला बोर्ड है ये दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इसके साउंड टेस्टिंग भी कर लेंगे। और इसमें देखिए यहाँ पे पावर सप्लाई में 4 MOSFET और लगी हुई है और यहाँ पे देखिए जो डाइवर्ट लगी हुई है ये लगी है फास्ट डाइवर्ट लगी हुई है। ये बहुत ही फास्ट डाइवर्ट होता है, डाइवर्ट यहाँ पे फास्ट डाइवर्ट लगी हुई है 4 और 4 MOSFET लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो वर्किंग वोल्टेज है वो क्या है उसको अपन चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम 12 वोल्ट की सप्लाई को जोड़ते फिर हम इसकी वर्किंग वोल्टेज है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने 12 वोल्ट को जोड़ दिया है। अब ले लेते हैं मल्टीमीटर। ये देखिए इनपुट में हमने दिए 12 वोल्ट, जो 12 से अभी थोड़ा ज़्यादा ही दिखा रहा है। तो और हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 44 करीब वोल्टेज दिखा रहा है, आपके यहाँ पे भी 44 दिखा रहा है। इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 45 वोल्ट है। यहाँ पे जो सप्लाई बोर्ड लगी हुई है वो 12 वोल्ट को 45 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये बोर्ड जो है दोस्तों 45 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली बोर्ड है। तो इसके साउंड की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त होगी और जो इसके बेस की पंच है वो भी काफ़ी शानदार होगी। लेकिन आप अगर इसमें स्पीकर सही लगाएंगे तभी आपको अच्छे आउटपुट मिल पाएगा। अगर आप स्पीकर हल्का लगा देंगे तो इतने अच्छे साउंड आपको नहीं मिलेगा। आपको अच्छे आउटपुट के लिए आपको स्पीकर भी अच्छी क्वालिटी के लगाने होंगे और कम से कम आप इसमें 10 इंची या 12 इंची के स्पीकर इसमें आप लगाइए। 100 वाट 200 वाट तक के आप लगा सकते हैं, आपको बहुत अच्छे साउंड की क्वालिटी मिल जाएगा आपको। और इसके साथ जो BT बोर्ड है वो भी देखिए बहुत शानदार BT बोर्ड है। इसमें 2 IC भी लगी हुई है, देखिए UTC 4558L की 2 IC इसमें लगी हुई है। इसमें जो दोनों IC लगी हुई है ये भी UTC 4558 की IC लगी हुई है BT बोर्ड में, डबल IC की BT बोर्ड है। लेकिन ये 4558 का IC थोड़ा सा अलग है, हम जिस तरह के देखते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा सा इसकी बनावट अलग है। और ये जो BT बोर्ड है दोस्तों ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है, ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है बोर्ड, आप देखिए बहुत शानदार बोर्ड है। तो दोस्तों अब हम क्या करते, ज़्यादा बात ना करते हुए 2 स्पीकर लगा के हम इसके साउंड की क्वालिटी को भी सुन लेते हैं और इस BT बोर्ड को भी हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसके ऑडियो इनपुट दे देते हैं।
ये हो गए। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें अपन सप्लाई देते हैं और स्पीकर जोड़ लेते हैं। दोस्तों मेरे पास 8 इंची का ही स्पीकर है, तो मैं 8 इंची का ही स्पीकर लगाऊंगा, लेकिन आप इसमें 10 इंची या 12 इंची लगाएंगे तो आप साउंड क्वालिटी आपको और अच्छा मिल जाएगा। मेरे पास फिलहाल 8 इंची है, तो मैं 8 इंची लगा रहा हूँ। दोस्तों मैंने इसमें 2 8 इंची के स्पीकर लगा दिए हैं, तो हम क्या करते देखिए दोस्तों, USB BT मॉड्यूल को भी लगा दिए, BT बोर्ड को भी लगा दिए, तो हम इसमें आप 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ लेते हैं। इसके बाद हम इसको कनेक्ट करके म्यूजिक प्ले करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप वीडियो को हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इसमें बैटरी लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसमें कुछ म्यूजिक प्ले करते हैं, और हम इसकी इस बोर्ड की जो साउंड की जो क्वालिटी है उसको भी हम सुन लेते हैं। मैंने लगा दिए, हमारा जो एम्पलीफायर बोर्ड है ये चालू हो चुका है। देखिए दोस्तों मैं कोई फिल्मी गाना आपके पास नहीं बजाने वाला हूँ, फिल्मी गाना बजाने पर बहुत दिक्कतें होती है, तो मैं कुछ म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। साउंड तो जबरदस्त आ रहा है दोस्तों, लेकिन मैंने जो स्पीकर लगा है वो शायद छोटे पड़ रहा है, इसकी जो बेस की पल्स है वो झेल नहीं पा रहा है। हमें स्पीकर थोड़ा और बड़े साइज के लगाना चाहिए था, पर मेरे पास स्पीकर है नहीं अभी बड़े साइज का। इसमें दोस्तों आपको 10 इंची 12 इंची तक आप आराम से बजा सकते हैं, और इसके साउंड क्वालिटी शानदार है। इसके बेस जो है दोस्तों, अभी मैंने पूरे नहीं खोला क्योंकि मेरे जो स्पीकर है वो इसके बेस के पंच को झेल नहीं पा रहा, मेरा स्पीकर खराब हो जाएगा। दोस्तों इस बोर्ड की जो साउंड की क्वालिटी है वो वाकई में बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसकी जो बेस की जो पंच है वो भी जबरदस्त है, लेकिन इसमें आपको स्पीकर जो है बड़े साइज के लगाने होंगे, कम से कम 10 इंची या 12 इंची या फिर आप इसमें 15 इंची तक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 इंची बहुत छोटा है दोस्तों, इस बोर्ड के लिए 8 इंची स्पीकर बहुत ही छोटा है। तो दोस्तों हम एक दो सॉन्ग और प्ले करते हैं, हम कोई दूसरा प्ले करते हैं। अब देखिए दोस्तों कितने जबरदस्त साउंड आ रहा है इसमें। दोस्तों इसका जो ये बोर्ड जो है ये हीट होने लगा है, इसमें आपको पंखा जरूर लगाने होंगे, बिना कूलिंग फैन के इसको नहीं चला सकते अपन ज़्यादा देर तक। अगर इसमें अपन स्पीकर बड़े स्पीकर लगाएंगे तो आपको इसमें बड़े साइज का कम से कम एक या दो कूलिंग फैन तो लगाने ही होंगे, नहीं तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हीट होता है, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों बोट की साउंड क्वालिटी आपने सुन लिया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बोट को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं आप इस बोट को। और इस बोट को लेने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आप संपर्क करिए और इस बोट को आप ज़रूर मंगवाइएगा दोस्तों। बस ट्रक या ट्रैक्टर के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन स्पीकर दोस्तों आपको इसमें 10 इंची 12 इंची लगाने होंगे, ठीक है। 8 इंची स्पीकर इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। 8 इंची स्पीकर जो इसमें काफ़ी छोटा पड़ जाएगा, आपको इसमें 10 या 12 इंची के स्पीकर आपको इसमें लगाने होंगे, कम से कम 100 वाट। तो दोस्तों ये जो है मॉसफेट वाले बोर्ड है जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिए, और ये 12 वोल्ट के इनपुट लेता है, और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 45 वोल्ट है। ये 45 वोल्ट के सप्लाई पे काम करता है ये बोर्ड, ठीक है दोस्तों। इसमें टोटल 4 मॉसफेट लगी हुई है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इस बोर्ड की साउंड क्वालिटी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर और भी कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। हम इसी तरह की नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को, सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।